स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो कि है लेमन राइस। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन रख दिया है गैस पे और गैस की फ्लेम कर दी है ऑन। यहाँ पे मैंने लगभग 2 टेबलस्पून जो है ऑयल लिया है, इसे हम गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच जो है मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। तो मस्टर्ड सीड्स जो है अच्छे से शैटर्ड होने चाहिए और जीरा भी अच्छे से भुनना चाहिए, तो ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। इसके बाद मैं यहाँ पे 7 से 8 जो है करी पत्ता डाल रही हूँ जो कि लेमन राइस में बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 मैंने यहाँ पे सूखी लाल मिर्चें डाल दी है और इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे अच्छे से भूनने के बाद 1/2 चम्मच जो है इसमें हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। यहाँ पे मैंने लगभग 1/2 कटोरी मूंगफली ली है जो कि मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखी थी। तो अब इस सारा मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 2 कटोरी जो है पके हुए चावल ले रही हूँ। चावल जो है पहले ही बना लें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। नमक जो है इसमें अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। गैस की फ्लेम जो है हम स्लो रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चावल जो है हमारे ठंडे हो चुके हैं। मैं यहाँ पे 1 नींबू का रस ले रही हूँ और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम चावल में नींबू का रस जो है बिल्कुल ऐड ना करें, नहीं तो चावल जो है हमारे कड़वे बनेंगे। तो ये देखिए हमारे लेमन राइस बन के बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को। थैंक यू। Like, share and subscribe.